तो भाई देखिए, सुपर एक्शन मोड में जो अभी फिलहाल में है, मतलब बहुत एक्टिव है, वो है हमारी बैक ऑफिस की टीम जो कि दिन रात मेहनत करती है। हमारी वो मीडिया डिपार्टमेंट है, जो मार्केटिंग टीम है, वो बहुत ज्यादा अभी सुपर एक्शन में है और अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा उस पर मेहनत चल रही है। स्पेशली ओ कनेक्ट को लेकर के बहुत ज्यादा मेहनत जो चल रही है उसको हम सब देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज है, कुछ लोग जो है बोलते हैं हमें भी कुछ करना चाहते हैं, हम भी ऑन पैसिव के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ अलग से कुछ स्पेशल करना चाहते हैं। तो देखिए आपको एक चीज बता दें कि अभी आपको जो है सुपर एक्शन मोड की जरूरत नहीं है। अभी जो भी अपडेट्स आ रही है उस पर हमको ध्यान देना है बस, और ओ कनेक्ट जो आता है उसमें जो हमारा वेबिनार होता है नेक्स्ट, उसमें सारी चीजें अभी और भी बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। तो इस कंडीशन में अभी हमें क्या करना है सुपर एक्शन मोड के, हमें क्या करना चाहिए? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके जब रेफरल लिंक्स आते हैं, जो भी हमारे सब्सक्रिप्शन है उसके रेफरल लिंक्स जो आएंगे, रेफरल लिंक आने के बाद में हमारा थोड़ा सा जहां पे एक्शन मोड शुरू हो जाएगा। तो आप यहां पर जो भी आपके लोग हैं, पहचान के वगैरह है, उनकी लिस्ट प्रॉपरली आपके पास होगी। एक्शन मोड आपको तब लेना है जब आपके पास में और ज्यादा भी जो रेफरल लिंक्स आएंगे या फिर और भी इंफॉर्मेशन आती हैं जो भी बैक ऑफिस में, उससे हमको अभी पता चलने वाला है। तो अभी आपको जस्ट चुपचाप जो है बैठ करके सारी चीज जो भी हो रही है उसे देखना है। देखिए अभी आपके जो भी चीजें जो भी OES वगैरह जो है आपका परफेक्ट देख लीजिए, जो कुछ है सही है, अगर परफेक्ट है तो नो प्रॉब्लम, उन चीजों पर अब आप व्यास ध्यान दीजिए। अब कंपनी को क्या करना है, आगे किस लेवल पे काम करना है, उसको कैसे मार्केटिंग करनी है, आप उसके लिए परेशान मत होइए। और जिस तरह से आप अभी सुपर एक्साइटेड बने हुए हैं वैसे ही बने रहिए, अभी एक्शन का आपका टाइम नहीं आया है। आपके एक्शन का टाइम तब आएगा जब आपके रेफरल लिंक्स वगैरह आ जाएंगे, तो थोड़ा बहुत आप वहां पे एक्शन कर सकते हैं, मतलब आप थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपको जो रेफरल लिंक आया उसको शेयर करना कंपलसरी होगा। कंपनी ऑलरेडी अपने लेवल पर काम करेगी बट आपका काम वहां से शुरू होगा। यहां पर एक सवाल ये आता है, बहुत से लोग मुझे कॉल करते हैं, आई थिंक वो ये वीडियो भी देख रहे होंगे, और कई लोग जो मुझसे कॉल करते हैं और भी लोगों से पूछते हैं कि सर अभी तो हम ऑन पैसिव के भरोसे बैठे हैं या नहीं बैठे, अभी जो है मैंने फलानी जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था और ये हो रहा था, मैंने ये काम शुरू कर रहा था, उसको करूं कि नहीं करूं या इसके भरोसे बैठूं। कभी भी आप ध्यान रखिएगा, ऑन पैसिव को जब भी आना होगा उससे जब भी एप्पल जनरेट होने होंगे, जब भी होंगे, लेकिन अभी आपका जो इंपॉर्टेंट है, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप भैया स्टूडेंट है तो आप अपनी पढ़ाई क्यों रोकते हो भाई, आप अपनी पढ़ाई जारी रखो। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टूडेंट्स लोगों को स्पेशल बोलूंगा, आप भले से 40 50 साल 60 साल के भी हो जाओगे तो भी आप कहीं ना कहीं सीखते हैं होते हैं राइट। तो वो जरूरी नहीं कि किताबी ज्ञान हो, आप जो भी सीख रहे चाह रहे हैं जीवन में वो सीखते रहिए, चाहे वो एजुकेशन हो या कुछ और सीखना चाहते हो जिंदगी में वो सीखते रहिए। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय मतलब आप ऑन पैसिव में आ गए तो आपको बस उसके भरोसे आप बैठ गए, यार अभी मैं देखता हूँ ऑन पैसिव आएगा तब मैं थोड़ा एक एप्पल जनरेट होगी तब मैं सोचूंगा। क्यों सोचते हो आप, क्या आपके काम पे कोई रोक टोक लगा रखी है ऑन पैसिव ने? बिल्कुल नहीं। आप जो भी काम कर रहे हो उसको करते रहिए, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करते रहिए, आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो भी आप करते रहिए, आप जो भी अभी एक्टिव है आपका जिससे इनकम का सोर्स है उसको आप करते रहिए। आप क्यों जो है ये बैठ करके सोचे हैं कि आप जो ऑन पैसिव आएगा तब इससे एप्पल जनरेट होगी तो मैं तो ये आप अपनी जगह पर रखिए। देखिए यहां पर मिस्टर ऐश ने भी बहुत बार ये बात बोली है कि जब आप अपने काम करिए उसको करते रहो यार, किसी ने रोका थोड़ी है, क्योंकि हमारी ऑलरेडी बैक ऑफिस की टीम है, आप बहुत जबरदस्त काम कर रही है ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए, हम कहीं ना कहीं उस चीज के लिए रेडी हो रहे हैं। तो आप जो है अपने काम को डिस्टर्ब मत कीजिए, वो करते रहिए यार, एक होप है आप उसके साथ में जो ऑन पैसिव के साथ में आप जुड़े हैं, तो आप दिन रात जो अपडेट्स लेती हैं, जो आप जो भी एक्शन मोड, आपको सिर्फ यही रखना है। एक्शन मोड कहने का मतलब मेरा यही है कि आपको एक्टिवेट रहना है, जो कि ऑलरेडी हमारे सारे फाउंडर बहुत एक्टिव हैं और वो दिन रात एक्टिव रहते हैं, बल्कि आप डिपेंड मत हो जाइए ठीक है, कि बस जब आएंगे ऑन पैसिव तब हम देखेंगे। ऑन पैसिव आने के बाद भी आप ये मत सोचिए कि आपको काम नहीं करने होंगे, आप बहुत सारे काम करने होंगे जो हमें आपने सोच के रखे, जो डिजाइन करके रखे, माइंड में लिख रखे हैं आपने कहीं ना कहीं पर, तो उन चीजों को हमें आगे बहुत सारे काम करने हैं, उस चीज को आप समझिए। तो एक्शन मोड में आप रहिए, लेकिन यहां से थोड़ा सा एक्शन मोड आपका परफेक्ट रखिए, मतलब
यहाँ दिमाग से थोड़ा सा एक्शन मोड अपना परफेक्ट रखिए। बाद में जो आपके रेफरल लिंक वगैरह आएंगे, आपके काम थोड़े से बढ़ जाते हैं, आप करना चाहेंगे तो उसको बिल्कुल शेयर कीजिएगा। और आगे जो है अपना जो भी लिस्ट वगैरह तैयार रखिए जो भी लोगों की, अगर नहीं किए तो कोई बात नहीं, आप चुपचाप अपडेट देते रहिए। लेकिन आपको जो है जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह जो चाहिए, आपको आगे कैसे काम करनी है, तो ये सारी चीजें आपको आने वाले दिनों में जो है ऑन पैसिव के माध्यम से मिलेगी। सब्सक्रिप्शन के आएंगे, रेफरल लिंक के आएंगे। तो अब जो है हमारा नेक्स्ट, जैसे ही ओ कनेक्ट आता है उसके बाद में बहुत सारी जो है हमारे पत्ते खुल जाएंगे, उसमें हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बस उस चीज का वेट कीजिए और अपकमिंग वेबिनार जो होने वाला है उसका वेट कीजिए।